तो चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक। बहुत बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वीडियोस वगैरह किए हुए, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, कुछ कुछ वीडियो मिलियंस में गए। थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप शावर करते हो हमारे ऊपर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। दो तीन महीने थोड़े ठंडे थे, अब फिर से मार्च में ऐसी एनर्जी आ गई है, क्या बात है। वैसे बहुत सारे एनर्जेटिक खबरें भी आज आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन एप्पल इतना एनर्जेटिक नहीं होगा। जी हाँ, ईयू जो है ना वो उनके नाक में दम करके रख रहा है, ये ना कुछ कहता है कि आपको यूएसबी टाइप सी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर आईफोन के यूजर्स को एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना है तो आपका जो क्लोज्ड इकोसिस्टम है ना उसे चेंज कीजिए, रिवैम्प कीजिए, ताकि बहुत ईजी हो जाए आईफोन के लोगों को एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना। एंड आई थिंक दैट इज अ फेयर पॉइंट। अगर लोगों को स्विच होना है आईफोन से एंड्रॉइड के ऊपर नॉन आईफोन्स पे, तो बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, आईफोन डज नॉट अलाउ। वो उन्होंने ऐप लॉन्च किया है कि जहां पे एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आईफोन से एंड्रॉइड पे होना है तो डेटा ट्रांसफर नाक में दम करके रख देता है। फाइनली ईयू ने कर दिया है दोस्तों, 2024 और अर्ली 2025 में रिलीज होगा, वो रोल आउट होने वाला है, सो आई एम वेरी हैप्पी। चलिए नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। IQOO Z9 लॉन्च हो गया है इंडिया में। जी हां, अगेन 6.67 इंच 120Hz FHD AMOLED Dimensity 7200 50MP प्लस 2MP का कैमरा है, 44W चार्जिंग है, पर प्राइस अच्छी आई हुई है। 8128 वेरिएंट के लिए 17999 एंड 8256 के लिए 19999, नॉट बैड एट ऑल। यस, ये फोन्स लॉन्च हो गए हैं, आने वाले फोन्स जो लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। पोको X6 नियो दोस्तों मार्च 13 को, मतलब कल लॉन्च हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं हमारे वीडियोस, न्यूज अच्छी लगती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी थोड़े नंबर्स अच्छे लगते हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं, वी फील गुड, एंड आपके लिए तो ये सब करते हैं, तो जरूर कीजिएगा। और ये न्यूज अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए। वैसे पोको X6 नियो के बारे में बात करते हैं। FHD प्लस 120Hz AMOLED स्क्रीन है, 6080 प्रोसेसर है, इसकी प्राइस 15,000 के करीब होने वाली, शायद उससे भी कम हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। 33W चार्जिंग भी है। ये बेसिकली रेडमी नोट 12R प्रो चाइना में जो लॉन्च हुआ है वो रीब्रांडेड वेरियंट है। OnePlus Nord C4 April 1st को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, टीज कर दिया है OnePlus ने, और April 1st डेट देख के मुझे पहले लगा कि शायद ये हो सकता है April Fool, लेकिन April Fool नहीं है दोस्तों। I am pretty sure, अभी भी मैं 100% नहीं कह सकता, 90-95% श्योर हूँ कि OnePlus Nord C4 लॉन्च होने वाला है। और आपको बताया Nord सीरीज के फोन्स कितने पॉपुलर होते हैं इंडिया में। जी हाँ, अगेन गुड 7th Gen 3 प्रोसेसर पे Qualcomm Snapdragon, आजकल सभी Dimensity पे होते हैं, ये Qualcomm Snapdragon 7th Gen 3 पे, विच इज अ पावरफुल प्रोसेसर, 50MP कैमरा प्लस 8MP ऐसा डुअल कैमरा होने वाला है, 100W चार्जिंग होने वाले, 5000mAh की बैटरी है, 25,000 के नीचे होने वाला, अराउंड 25,000, दैट विल बी क्रेजी। Realme का Narzo 70 Pro 5G जो है 19 मार्च को लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इसमें सबसे मेन कैमरा की तरफ फोकस किया हुआ है, 50MP का Sony IMX890 with OIS होने वाला है, एंड डुओ टच ग्लास डिजाइन होने वाला है इसमें, अगेन 25,000 से 30,000 के बीच में होने वाला है। प्रोसेसर कौन सा है देखेंगे, बट लेट्स वेट फॉर इट। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट लीक्स एंड रूमर्स। गूगल ने एक्सीडेंटली उनका जो गूगल पिक्सेल 8a ये जो स्मार्टफोन है वो एक्सीडेंटली कंफर्म कर दिया। ये एक्सीडेंटली होता है, सच में होता है, जानबूझ के होता है पता नहीं है। ये अंडरक्लॉक टेंसर G3 चिपसेट में होने वाला है। जी हाँ, जो 8 या 8 प्रो था G3 वो अंडरक्लॉक होने वाला है फॉर 8a, डुअल रेयर कैमराज है, 27W चार्जिंग आ रही है। वीवो T3 5G इंडिया का जो लॉन्च है दोस्तों उसे टीज कर दिया है, इसी महीने में आई थिंक 3rd या 4th week में ये लॉन्च हो जाएगा। फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, डायमेंशन 7200 प्रोसेसर है, 44W चार्जिंग है, 20,000 के नीचे ये लॉन्च होने वाला है। मोटोरोला, यू नो द लॉन्च आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मोटोरोला H50 प्रो 3rd April को लॉन्च हो रहा है दोस्तों, एंड जबरदस्त डिस्प्ले, 6.7 इंच का 165Hz वाला OLED या P-OLED कर्व डिस्प्ले होने वाला है, 8th Gen 3 प्रोसेसर पे है, 50 प्लस अल्ट्रा वाइड प्लस टेलीफोटो कैमरा होने वाला है, 4500mAh की बैटरी एंड 125W चार्जिंग। Wow, I mean Motorola phone on 125W and AI के features भी आ रहे हैं, crazy I tell you. WTF news of the day, जी हाँ, Apple Vision Pro एक nurse इस्तेमाल कर रही थी, पता है किस लिए, surgical procedure करने के लिए, and उन्होंने डाला, and जब surgeon जो है जो कर रहे थे surgery उसके साथ जो भी app वगैरह उन्होंने इस्तेमाल किया होगा वो बेसिकली सर्जरी के लिए इस्तेमाल हुआ एप्पल विजन प्रो। आई विल टेल यू वन थिंग कि 2-3-4 सालों में ना डॉक्टर्स भी ना यही सब डाल के ऐसी सर्जरीज वगैरह करेंगे, क्योंकि लिटरली मैं जब MWC गया था तब मैंने 2-3 चीज़ें देखी, ये जो AI है, ये जो AR हेडसेट्स है, VR हेडसेट्स है, यू कैन लिटरली गो इनसाइड द हार्ट ऑफ अ मैन, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है।
crazy. And it is going to help in healthcare industry. It is not WTF. It is wow. जी हाँ, चलिए रैपिड फायर के बारे में बात करते हैं। यूपीआई अब और एक कंट्री में आ गया है, नेपाल में आ गया है दोस्तों। सो दैट इज नाइस। यूपीआई के जो विंग्स हैं वो ज्यादा बड़े हो रहे हैं। एप्पल का जो फोल्डेबल फोन है ये 2026 में आने वाला है ऐसे कहा जा रहा है, एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी होने वाली है उसमें। देखते हैं आने के बाद देखेंगे। क्वालकॉम 8S Gen 3 चिपसेट जो है मार्च 18 को लॉन्च करने वाला है। अब ये 8S Gen 3 जो है ना, ये 8 Gen 3 से नीचे होने वाला है। यस, Xiaomi की जो SU7 EV या SU7 Max उनकी जो कार्स है इलेक्ट्रिक कार्स, 28 मार्च को चाइना में ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। अभी तक डिस्प्ले वगैरह की MWC में भी हमने देखा, बट ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है, कमर्शियली सेल करने वाले हैं। वाओ, इंडिया में आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू कम। गूगल प्ले स्टोर दोस्तों अब दो ऐप साइमल्टेनियसली डाउनलोड को अलाउ करता है। अभी तक नहीं था, अभी तक ये एक डाउनलोड होने के बाद उसके बाद में होता था, लेकिन अब दो ऐप्स एक ही टाइम पे आप डाउनलोड कर पाओगे। नथिंग ओएस 2.5.3 ये फोन 2A के लिए जो बेसिकली कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है वो रोल आउट हो रहा है। तो अगर आपने फोन 2A लिया हुआ है अपडेट कीजिए, कैमरा विल बी इवन बेटर। कैसी लगी आज की बेटर खबरें? अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर कीजिए, और फिर से एक रिमाइंडर, सब्सक्राइब नहीं है तो कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।